नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। न्यायालय प्रयागराज के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने शुक्रवार को दीवानी न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नवनिर्मित अदालतों का भी मुआयना किया। इसके अलावा सब्जी मंडी में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर जायजा लिया। इसके पूर्व दीवानी न्यायालय से सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार राय के तेल चित्र का अनावरण प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा किया गया। न्यायमूर्ति केसरवानी ने कहा कि विद व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जहां गुरु शिष्य की परंपरा देखने को मिलती है। इस परंपरा को कायम रखने पर बल देते हुए कहा कि अपने अधीनस्थों को संपूर्ण विधिक जानकारी देने का काम करें ताकि भविष्य में दिक्कतों का सामना आसानी से कर सकें। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति मंदाता सिंह ने कहा कि व्यक्तिवादी समाज में बुजुर्गों की स्मृतियाँ सजोड़ने की बात कही। मैं सर्वेश कुमार राय अधिवक्ता बलिया का सबसे कनिष्ठ पुत्र हूँ और मैंने 1981 में बलिया बार ज्वाइन किया एज ए वकील। पिता के सानिध्य में वकालत शुरू किया और 1986 में बिहार न्यायिक सेवा में मेरा चयन हुआ और 2018 मार्च में जनपद न्यायाधीश शिवहर बिहार से सेवानिवृत्त हुआ। आज किस तरह का कार्यक्रम है? मेरे पिताजी के चित्र का अनावरण बार बिल्डिंग में लगाने के लिए अनावरण किया गया जो बहुत दिनों से लंबित था, उसमें कुछ कारणों से स्थगित होते रहा और उस अवसर पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति श्री एसपी केसरवानी साहब, जो बलिया जनपद के प्रशासनिक न्यायाधीश भी हैं, उन्होंने चित्र का अनावरण किया। गरिमामयी उपस्थिति उस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति मानधाता सिंह, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, माननीय श्री अरुण कुमार त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बार काउंसिल एवं वर्तमान सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, कौन सी ऐसी चीज थी जिन्हें आज भी याद किया जाता है? सादगी, विनम्रता और क्रोध न करना, क्रोध पर विजय। और कभी भी अहम उन्होंने नहीं रहा, कोई भी कितनी बार कोई पूछे वही वो झुझलाते नहीं थे। ये उनके सबसे बड़ी ये थी। कभी उन्होंने पटर के बाधिकारी जो दे दे फीस उतना दे रहे हो, उसकी क्षमता से अधिक फीस नहीं लेना चाहिए। गरीब है तो गरीबी के हिसाब से फीस लेना चाहिए। तो आगे भी नई पीढ़ी के अध्यक्षताओं पर जिम्मेदारी है कि वो उनकी पीढ़ी को रखे। गांव में जो पीछे पाकेट जो बताया गया था कि पीछे ही पाकेट डाल दिए थे, पहले वकालत काम पादरी करते थे, कोई फीस ना दे, देखे नहीं कि कितना फीस दिया, पीछे पाकेट रहता था वकील के गांव में, उसी में डाल दिया जाता था कि ये भावना न रहे कि हमको ये अधिक फीस देता है या कम देता है। उस परंपरा का परिपालन मेरे पिताजी करते थे। वर्तमान में ये और विद्या के क्षेत्र में उन्होंने बलिया में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालयों की स्थापना किया और सरस्वती विद्या मंदिर मालदेवपुर और सरस्वती विद्या मंदिर भृगुआश्रम के पास गपिनगंज में भी उन्होंने उसका स्थापित कराया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका काम काफ़ी योगदान। सब्सक्राइब करें इंडिया टाइम न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टाइम न्यूज अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए।